कंपोजिट वाल्केनो जो होता है ये बहुत ही विस्कियस होता है, ये गाढ़ा होता है, उसके बाद ये कूलर होता है। दोस्तों कूलर का ये मतलब नहीं, ये इतना ठंडा नहीं होता है कि हम इसको एकदम हाथ से उठा सकते हैं। उसके बाद इसकी जो इरप्शन होती है, जब ये फूटता है तो बहुत ही ज़्यादा धमाका होता है उस जगह पर जिस जगह पर ये फूटता है। और ये अपने साथ जब फूटता है तो अपने साथ ऐश वगैरह, मिट्टी वगैरह सब कुछ लेके बाहर निकल आता है। और ये जो होता है ये लेयर्स की फॉर्म में, बाद में ये जो है लेयर्स की फॉर्म में आ जाता है।